हाय गाइस, मैं हूं पंजाकर और आप देख रहे हैं हेल्प इन हिंदी। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ई स्टैम्प सर्विस क्या है, कैसे काम करती है और आपको कैसे काम करना है, और इसका पूरा फुल डिटेल बताऊंगा कैसा इसका प्रोसेस होता है, क्या इसमें काम करता है, आखिरकार ई स्टैम्प है क्या। तो हम जानेंगे इस वीडियो में ई स्टैम्प के बारे में। तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड कलर का बटन देख रहे इस पर क्लिक करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। और अगर आप मोबाइल फ़ोन पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी रेड कलर का बटन और बगल में एक घंटी होगी, दोनों पर आपको क्लिक करना है जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो देख पाएंगे जो कि जनसेवा केंद्र कंप्यूटर इंटरनेट पर होते हैं। तो सबसे पहले आप जाइएगा डिजिटल सेवा पोर्टल पे अपने, और जहाँ पे सर्विसेज होता है इसके थोड़ा नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ई स्टैम्प सर्विस दिख जाएगी। ये दोस्तों स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन गवर्नमेंट के, तो ये क्या है दोस्तों, उस पर कैसे काम करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी ये वेबसाइट पर आप आ जाते हैं, इंडियन ई स्टैम्पिंग सिस्टम। अब यहाँ पर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड ये सब मांग रहा है, तो दोस्तों ये आपके पास नहीं होगा, मेरे पास भी नहीं है, तो ये आपको कहाँ से मिलेगा। पहली बात आती है कहाँ से मिलेगा, ये दोस्तों आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आप उन्हें कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ये सेवा स्टार्ट हो गई है नहीं हुई है, क्योंकि अभी सारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं स्टार्ट हो पाई है। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कॉन्टैक्ट करें और वहाँ से इसका आईडी एंड पासवर्ड आपको प्रोवाइड करवाएंगे। कैसे का प्रोसेस कैसे आपको मिलेगा वो बता देंगे पूरा आपको। अगर आप अबाउट इंडियन इस पर क्लिक करते हैं हम, तो इनका जो मेन पेज है दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इनके एफएक्यू क्वेश्चन क्या है, या तो अबाउट अस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे अबाउट अस पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक पेज खुलकर आता है, ये आपको ई स्टैम्पिंग के बारे में बताएगा। ई स्टैम्पिंग सर्विस क्या है, स्टॉक होल्डिंग हैज बीन ऑथराइज बाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एक्ट एज अ सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट एन इलेक्ट्रॉनिक मैथड ऑफ स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन। दोस्तों इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है ई स्टैम्पिंग सेवा वो सेवा है। दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। सपोज दैट आप कोई केस लड़ रहे हैं, कोर्ट में आप केस लड़ रहे हैं, तहसील जाते हैं, तो वहाँ पे आप एक स्टैम्प पेपर लेते होंगे, 10 रुपये का, 20 का, 40 का, 50 का। स्टैम्प पेपर बहुत ही महंगे महंगे आते हैं दोस्तों। अगर आप कोर्ट में जाते हैं वहाँ भी स्टैम्प पेपर की ज़रूरत पड़ती है, तहसील में जाते हैं वहाँ भी। तो अभी तक सब हार्ड वर्क चल रहा था, आपको पेपर दिया जाता तो उस पर मोहर लगाता, 100 या 10 सब छपा होता था स्टैम्प। अब क्या है ये सेवा ई स्टैम्पिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प, मतलब आप ऑनलाइन भुगतान कर पाएंगे दोस्तों। सपोज अगर आप केस जा रहे हैं तो वहाँ पर स्टैम्प लगता है, 2000 के स्टैम्प लगा तो उसमें बहुत धांधली होती, 2000 के स्टैम्प आपको 2500 पर दिया जा रहा है, ठीक है, या 3000 पर दिया जा रहा है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, वही स्टाम्प जो आपको 2000 के ले रहे थे वही अब उसका केंद्र बना दिया जाएगा वहाँ पे, और आपको सिर्फ 2000 रुपये ही पे करने पड़ेंगे और आपको इलेक्ट्रॉनिक ई स्टैम्प मिलेगा दोस्तों, जो कि बहुत ही बेहतरीन होगा और उसमें बहुत ही सिक्योरिटी होगी, कोई धांधली नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ई स्टैम्पिंग सर्विस स्टार्ट की जा रही है हर एक राज्य में और हर एक जगह। तो अब ये CSE को वर्क दिया गया है कि आपको इस पर वर्क करना है, कैसे काम करना है, और भी आप अगर ज़्यादा डिटेल पाना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं अबाउट अस में, ठीक है। और आपको विकीपीडिया पर भी मिल जाएगा ये क्या है दोस्तों, कैसे वर्क करता है ई स्टैम्पिंग। और अगर मैं आपको विकीपीडिया दिखाना चाहूँ तो चलो देख लेते हैं विकीपीडिया पर क्या दिया है। ये कह रहा है ई स्टैम्पिंग इज ए कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन एंड अ सिक्योर्ड वे ऑफ पेइंग नॉन जुडिशियल स्टैम्प ड्यूटी टू द गवर्नमेंट। वही दोस्तों बोल रहा है कि ये कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन होगा जो कि पे करने का एक तरीका है, जो पहले हम स्टैम्प पेपर थ्रो करते थे, हार्ड कॉपी जिसमें बनता था वो देखा होगा, ये अब इलेक्ट्रॉनिक ही पे होगा। ई स्टैम्पिंग इज करंटली ऑपरेटेड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, सारे स्टेट में वर्क कर रहा है। प्रिविलेजिंग सिस्टम ऑफ फिजिकल स्टैम्प पेपर इज बींग रिप्लेस्ड बाई ई स्टैम्पिंग सिस्टम। कह रहे पहले वाला जो फिजिकल स्टैम्प पेपर था वो रिप्लेस कर दिया जाएगा ई स्टैम्पिंग पेपर से। इसके बेनिफिट्स भी आप देख सकते हैं, ई स्टैम्प सर्टिफिकेट कैन बी जनरेटेड विद इन मिनट्स, ई स्टैम्पिंग सर्टिफिकेट जनरेट स्टैम्पर प्रूफ। तो मतलब बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं, ये सुविधा थी दोस्तों जो मैंने आपको बता दिया। और आपको लॉग इन आई डी आपको चाहिए तो अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें। और वहाँ अब इसमें आपको दोस्तों सोच रहे हो कमीशन मेरा क्या फायदा, तो दोस्तों आपको इसमें कमीशन मिलेगा। अब कितना मिलेगा अभी यहाँ डिस्क्लोज नहीं किया गया है, जब आप इसको वर्क करेंगे तब हो सकता है अपडेट तब तक आ जाएगा कितना कमीशन मिलना है आपको, कैसे काम करना है आपको, कैसे बनाना है। तो ये सभी जानने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, रेड कलर का बटन देख रहे हैं इस पर क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ई स्टैम्पिंग सर्विस कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा, उसका थोड़ा बहुत
नहीं 100%, तो एटलीस्ट 80-90% आप समझ गए होंगे और कैसे वर्क करना है, ये फर्दर अपडेट आएगा तो आपको उस वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों देखते रहे मेरा चैनल। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।